बुला रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही में नतीजे में बदल गए तो एनडीए सत्ता से बाहर। देखिए, हमने 15 साल तक जनता की सेवा की, हमने कोई माल नहीं लूटा है, हमने अपने परिवारजनों को फायदे नहीं पहुंचाए हैं, और बिहार की जनता अंधे युग में पुनः प्रवेश कराना चाहेगी बिहार को, हम ऐसा नहीं मानते। तो आपको लगता है कि एनडीए की एक बार फिर से सत्ता में वापसी? हमें 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार है, और जो जनता की सेवा हमने की है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। सर, एक कट से देश गुजर रहा है, इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र सरकार अब स्कूलों को ओपन करने के मामले पर विचार कर रही है। आपको लगता है सर कि स्थिति ऐसी है कि आप राज्यों में स्कूल? नहीं, समूचे देश के शिक्षण संस्थान बंद हैं, अभिभावकों ने अपने नौनिहालों को कोरोना से बचाने के लिए विद्यालय में जाने से, स्कूल में जाने से मना किया है। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला उचित है। सर, से 4 साल पहले 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि डीमोनेटाइजेशन से काले धन पर रोक लगी थी और टैक्स कॉम्प्लायंस जो है वो बढ़ा था देश में, आपका क्या कहना है? देखिए, जो आशाएं और अपेक्षाएं डीमोनेटाइजेशन के वक्त प्रचारित और प्रसारित की गई थी, हम ऐसा मानते हैं उसके वांछित फल नहीं निकल पाए। काले धन का उपयोग अब भी जारी है। लेकिन सर, राहुल गांधी का ये कहने के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरह से असॉल्ट कर दिया। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उनके वक्तव्य तीखे होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर जाना था जो नहीं हो पाया। सर, एक और मुद्दा जो नतीजे हैं वो भी ट्रंप साहब के अनुकूल नहीं रहे हैं। अशोक गहलोत साहब का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी थी कि आप अमेरिका के डोमेस्टिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, और नतीजे जो है उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सलाह थी प्रधानमंत्री मोदी को वो सही थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर है, और तीसरी दुनिया का कोई भी मुल्क, विकसित हो या अविकसित, न दखल दे सकता है न गाइड कर सकता है। एक सर सवाल है, चीन के बीच जो एलएसी पर जिस तरह से चल रहा है, मिलिट्री कमांडर्स लगातार बातचीत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की एक पोजीशन है कि चाइना जो है अप्रैल वाली पोजीशन पर वापस जाए, और इसके लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, आपका क्या कहना सर? ये प्रधानमंत्री भी, रक्षा मंत्री भी और विदेश मंत्री भी सब इसी राय पर सहमत हैं, इसी दिशा में वार्ता होती है। सेना प्रमुख भी इशारा कर चुके हैं की सीमा के आकार में कोई कटौती स्वीकार नहीं हो। सर, एक आखिरी सवाल है सर, एक बात कि आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आ सकती हैं एनडीए को? देखिए, ये सबके अपने अलग अलग अनुमान हैं। सब जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उनकी भी सबकी अलग अलग राय है, और मेरी भी उनसे अलग राय है, हम जीतेंगे।